हेलो दोस्तों, अंशु की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बना रहे हैं लौकी की सब्जी। इसे बनाने के लिए हमने 3 मीडियम साइज के प्याज, आधा किलो लौकी, 2 टमाटर और हरी मिर्च, लहसुन, अदरक लिया है। इन्हें हम बनाने के लिए तैयार कर लेंगे। सबके छिलके निकाल दिए हैं और लौकी को कद्दूकस करेंगे। लौकी को कद्दूकस करने के बाद हाथों की सहायता से हम लौकी के कद्दूकस से पानी बाहर निकाल देंगे। अब हम प्याज, लहसुन, मिर्ची, अदरक का पेस्ट तैयार करेंगे। मिक्सर जार में डालेंगे और ग्रेवी तैयार कर लेंगे। इसमें हमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है, ये मसाले पकाने में टाइम लगेगा। अब हम उन टमाटरों का भी ग्रेवी तैयार कर लेंगे। कद्दूकस की हुई लौकी में हम अब मसाले डालेंगे। इसमें हमने 2 चम्मच बेसन ले रहे हैं, 1 गोली बनाने में सहायता करेगा, हींग लिए है, 100 लेंगे, काली मिर्च पाउडर लेंगे, धनिया पाउडर लेंगे, लाल मिर्च पाउडर लेंगे, नमक लेंगे और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमारा कद्दूकस किया हुआ लौकी एवं मसाले मिक्स कर हमने बाउल तैयार करना है और एक दूसरी साइड हम कढ़ाई में तेल डाल लेंगे। इसमें हमें जैसे पकौड़ियाँ निकालते हैं ऐसे ही इन गोलियों को निकालना है, फ्राई करना है। स्लो फ्लेम पर हमने शुरुआत में हमने हाई फ्लेम रखा था, लेकिन जब पका रहे थे तब स्लो फ्लेम किया था, तो स्लो फ्लेम पे हमें इन गोलियों को अच्छे से फ्राई करना है। फ्राई होने पर हमने गोलियों को बाहर निकाल लिया है। दूसरी साइड हमने कढ़ाई में तेल लिया है और जीरे का तड़का लगाया है। इसके बाद हमने प्याज, लहसुन, मिर्च से बनाई हुई ग्रेवी को डाल दिया है। 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर हमने ग्रेवी को पकाया है। जब ग्रेवी हल्के गोल्डन कलर की हो जाए तब हमने इसमें टमाटर की ग्रेवी को डालना है। और टमाटर की ग्रेवी को भी हमने 3 से 4 मिनट के लिए पकाया है। जब मसाले तेल छोड़ने लगेंगे तब हमें इसमें सूखे मसाले डालेंगे, जिसमें हमने 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर लिया है और इनको अच्छे से मिला लेंगे। इनको भी 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे। इसके बाद हमें नमक डालना है 1 चम्मच। हाँ, आप इस स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। जब ये पककर तैयार हो जाएगा तो हम इसमें 1 कप नारियल का पराठा लिया है। यह बाजार से लाया हुआ नारियल का पराठा है। इसे भी हम 2 से 3 मिनट के लिए और पकाएंगे। देखिए, आपको ग्रेवी इस तरह बना लेनी है। इसके बाद हमें इसमें
आधा लीटर के समथिंग पानी लिया है। आधा लीटर से कमी है ज़्यादा नहीं। और 8 से 10 मिनट के लिए पकाएंगे। हमने ग्रेवी को ढक करके ही पकाया है। हमारी ग्रेवी बनकर तैयार हो गई है। देखिए मसालों ने तेल छोड़ दिया है। अब हम इसमें गोलियों को डाल देंगे जो लौकी के कद्दूकस से बनाई गई थी। पाँच से छः मिनट के लिए हमें ढक करके इन गोलियों और ग्रेवी को पकाएंगे। यह भी हमें ढक करके ही पकाना है। देखिए हमारी ग्रेवी पकाने पर कम हो गई है। आप जैसे चाहते हैं कितने पतला वाला उसके अकॉर्डिंग पानी डाल सकते हैं। हमने ना तो ज़्यादा पानी लिया है ना ही ज़्यादा डाल दिया है। और इसमें हमने ताज़ा मलाई की अच्छे से घुमा करके जैसे छाछ को दही को घुमाते हैं छाछ बनाने के लिए इस तरह मलाई को अच्छे से घुमा करके इसमें हमने डाला है। इससे अच्छा फ्लेवर आएगा और खाने में अच्छी लगेगी। एक से दो मिनट के लिए और हमने इसे पकाया है। अब हमारी सब्जी बनकर तैयार हो गई है। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो रेसिपी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों। देखिए हमने खाना सर्व कर दिया है। एक बार बनाकर जरूर देखना, आपको रेसिपी पसंद आएगी। आपके बच्चे को लौकी की सब्जी पसंद ना होने के बाद भी यह सब्जी बनाकर देखना, वो मांग मांग कर आपसे ज़रूर खाएंगे। उन्हें समझ ही नहीं आएगा ये किस चीज़ की सब्जी है। खाओ पियो मौज करो मस्त रहो। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ध्यान रखो।